हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मननपुरम फाइनेंस लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 45 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक ऑलमोस्ट आधे परसेंट से भी ऊपर की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। अगर देखें तो इस स्टॉक में पीछे के एक हफ्ते में 3% की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक एक महीने में 2.5% की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का जो एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 124 रुपए, 124 रुपए इस स्टॉक का एक शॉर्ट टर्म हाई बॉटम था, वहीं से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसा कि अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पर इस स्टॉक में 240 रुपए के बाद लगातार एक गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहिए, जो कि अराउंड 112 रुपए का आप शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से इस स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है तो ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 118 रुपए और सेकंड टारगेट 120 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। और नीचे का इस स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है अराउंड 111 रुपए। 111 रुपए के जब तक ये स्टॉक ऊपर रहता है तो इसमें एक बड़ी तेजी बनती हुई नजर आएगी। और अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आप इसमें 110 रुपए के बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लिए 150 रुपए तक के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और देखें तो इस स्टॉक में लगातार हर एक क्वार्टर में आपको डिविडेंड देती हुई ये कंपनी नजर आती है। अगर देखें तो इस स्टॉक ने अभी भी लास्ट टाइम अराउंड 22 नवंबर को डिविडेंड देते हुए नजर आई, जहां पर ये स्टॉक ने 75 पैसे का डिविडेंड दिया है। तो लगातार ये कंपनी काफी अच्छी है, जहां पर ये कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती हुई नजर आती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।